हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर ज़िले में रतनपुर नगर में स्थित महामाया माता के द्वारपाल उनके रक्षक भैरव बाबा का दर्शन कराने चल रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के अंतर्गत बिलासपुर से रतनपुर मार्ग में भैरव बाबा का मंदिर मुख्य मार्ग के ठीक बगल में ही स्थित है, जो कि बिलासपुर से रतनपुर मार्ग में बिलासपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब आप बिलासपुर से रतनपुर वाली महामाया माता का दर्शन करने निकलेंगे तो मार्ग में सबसे पहले भैरव बाबा ही मिलेंगे। लेकिन ऐसी मान्यता है कि महामाया माता का दर्शन करने के पश्चात ही भैरव बाबा का दर्शन किया जाता है, इसलिए सबसे पहले आप माता महामाया का दर्शन करिए, उसके बाद भैरव मंदिर तक आइए। आप भैरव मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रवेश द्वार सिद्ध तंत्र पीठ श्री काल भैरव मंदिर के रूप में विख्यात है। भैरव बाबा मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ दशावतार श्री हरि विष्णु जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। उसके बाद थोड़ी आगे बढ़े तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। हर और हरि एक साथ प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक मंदिर का पट बंद रहता है। अब हम भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए भैरव बाबा के गर्भगृह के प्रवेश द्वार की ओर आगे बढ़े। प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही दाहिनी ओर देवी माता का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। माता रानी का भी आशीर्वाद लेकर हम जैसे ही आगे बढ़े तो बाईं ओर अखंड धुनी दिखाई दी। उसे भी प्रणाम करके हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि भैरव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना था। अब हम भैरव बाबा के गर्भगृह के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर असंख्य श्रद्धालु पंक्तिबद्ध रूप से खड़े थे। तभी बाईं ओर नजर घुमाए तो स्फटिक के शिवलिंग का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। यहाँ पर असंख्य श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख पा रहे हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं की भीड़ में हम भी खड़े हो गए, क्योंकि भैरव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना था। हम धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे थे, तभी भैरव बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भैरव महाराज की जय। इस मंदिर के गर्भगृह में भैरव बाबा की लगभग 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि पहले भैरव बाबा की यह प्रतिमा खुले चबूतरे पर विराजमान थी, बाद में मंदिर का निर्माण बाबा ज्ञानगिरी गोसाई ने करवाया। इस मंदिर में भैरव बाबा रौद्र रूप में स्थापित हैं और इसी रूप में वे दुष्टों का नाश एवं भक्तों की सुरक्षा करते हैं। भैरव बाबा के गर्भगृह तक पहुँचने का मार्ग सकरा है। यहाँ पर सावधानी पूर्वक अंदर प्रवेश करना होता है। भैरव बाबा के गर्भगृह के मुख्य द्वार के ठीक सामने में शनि देव भी स्थापित हैं। शनि महाराज यहाँ पर विराजित होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। शनि देव को न्याय का देवता माना गया है, इन्हें न्यायाधीश माना जाता है। शनि देव सब कुछ देख रहे हैं, आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। शनि देव से कुछ भी नहीं छुपता है, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं, सबका न्याय करते हैं। मंदिर प्रांगण में ही दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी का भी मंदिर स्थापित है। यहाँ पर वीर बजरंगबली अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजित हैं। भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए जय वीर हनुमान। मंदिर से ही लगा हुआ एक छोटा सा तालाब है। यह तालाब यहाँ की शोभा बढ़ा देता है। यह तालाब इस मंदिर के बगल में होना यह साबित करता है कि यह पूरी तरह से तीर्थ स्थल है। इस तरह से रतनपुर वाले भैरव बाबा मंदिर का दर्शन पूर्ण होता है। आप जब भी महामाया माता का दर्शन करने आइए, भैरव बाबा का दर्शन अवश्य कीजिए। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए तीर्थस्थल के साथ।